नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस अपना थीम सॉन्ग जारी कर चुकी है, जिसमें बीजेपी पर निशाने के साथ ही डबल इंजन नीति की नाकामियों को उजागर किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड और केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी ये दावा करती रही है कि उसका डबल इंजन मॉडल राज्य के विकास के लिए फायदेमंद रहा है, जिसके बाद तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सूत्र वाक्य के साथ कांग्रेस का थीम सॉन्ग राज्य में बीजेपी के तीन बार मुख्यमंत्री बदलने की ओर ध्यान आकर्षित कराता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा आम आदमी पार्टी के फेवर में जाएगा या कांग्रेस के, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी बीजेपी के तीन मुख्यमंत्री बदलने को लेकर लगातार हमला करती रही है। तो जाहिर है कि तौर पर हरदा का तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा आम आदमी पार्टी के लिए भी सटीक बैठता है। इस मामले पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद का कहना है कि कांग्रेस कभी उत्तराखंड बनने के पक्ष में नहीं रही है, कांग्रेस को उत्तराखंड के लोग अब सत्ता में नहीं आने देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सीएम जरूर बदला पर विकास नहीं रुका है। वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कांग्रेस ने बिल्कुल ठीक लॉन्च किया है, लेकिन वो कांग्रेस में भी तीन तिगाड़ा है, हरीश रावत, गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि वो उत्तराखंड में जमीन तलाशने का काम कर रही है। जो कांग्रेस कभी भी राज्य के पृथक राज्य के पक्ष में नहीं रही और जिस कांग्रेस के सहयोग से चलने वाली मुलायम सिंह की सरकार ने आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई, माताओं बहनों का रामपुर तिराहा कांड में अपमान किया, मसूरी गोलीकांड हुआ, खटीमा गोलीकांड हुआ, उस सबके पाप की भागी कांग्रेस है। कांग्रेस ने इस राज्य के साथ जितना बुरा किया है, कांग्रेस के को अब इस राज्य के लोग नहीं आने देंगे। और जो हरीश रावत कह रहे हैं हमने संवारा, वो दो ढाई साल जो मुख्यमंत्री रहे सबने देखा है किस प्रकार भ्रष्टाचार का बोलबाला किया है। खनन माफिया और शराब माफिया यही दो आगे बढ़ रहे थे, किस प्रकार से डेनिश चल रही थी, तो उन्होंने जिस प्रकार का सवारा है पूरी जनता जानती है। वो चुनाव देखिए, कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्ति की ओर है उत्तराखंड में, और वो केवल और केवल आरोप लगाने का काम करती है। कांग्रेस बताए क्या उसके शासनकाल में मुख्यमंत्री नहीं बदला गया? उत्तराखंड ही नहीं, पंजाब में मुख्यमंत्री बदला गया। और आप देखिए, अगर हमने चेहरा बदला तो उत्तराखंड में विकास का पहिया नहीं रुका, विकास अनवरत जारी है और अभूतपूर्व विकास भारतीय जनता पार्टी ने किया। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, जिसकी कोई हैसियत नहीं है उत्तराखंड में, एक पार्षद तक नहीं है, उन्होंने खुद तीन कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे, उनमें से दो इस्तीफा दे चुके हैं। ये पार्टियां केवल और केवल उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम करती हैं। इन्होंने उत्तराखंड की जनता के साथ हमेशा जो है धोखा किया है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है, ऐसी सरकार हमने चलाई जिसने 5 वर्षों तक उत्तराखंड की जनता की केवल सेवा की और उत्तराखंड का अभूतपूर्व विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और 2022 में उत्तराखंड की जनता पुनः भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ। हरीश रावत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि तीन तिगड़ियां इस उत्तराखंड राज्य को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन तीन नहीं है वो, तीन तिगड़ियां दो हैं। एक तो तीरथ त्रिवेंद्र धामी की है, तो वही दूसरी ओर हरदा साथ में गणेश गोदियाल और प्रीतम सिंह की है। ये तीनों जो तिगड़ियां हैं, इधर भी तिगड़ी उधर भी तिगड़ी, ये मिलकर उत्तराखंड को लूट रही हैं, यहाँ के संसाधनों की लूट कर रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी का अकेला कर्नल इन दोनों तिगड़ी और अपने आप में बड़ा बचकाना बयान है। ये दर्शाता है कि विवेकहीन व्यक्ति का ये बयान होगा, क्योंकि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चाहे नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी की मैं बात करूं, चाहे सीडब्ल्यूसी मेंबर हरीश रावत जी की बात करूं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोडियाल जी की बात करूं, हमारे तीन जो नेता हैं वो तीन जो है हमारी ऐसी मजबूत कड़ी है जो उत्तराखंड में 2022 का जो रण है उसे विजय की तरफ ले जाने का कार्य करेगी। तो मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को थोड़ा अपना ज्ञान बढ़ाने की जरूरत है और इस तरीके के बयान, नासमझी के बयान ना दें, क्योंकि एक नमूना आपने देखा था केजरीवाल की रैली में और 2022 में आप देखेंगे कि जब आपको हर सीट पे आपकी
उत्तराखंड के महासंग्राम में आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान बने हुए हैं, सुजाता पाल कांग्रेस से, संजीव वर्मा बीजेपी से, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। सुजाता जी, ये जो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये जो आपने थीम सॉन्ग लॉन्च किया है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि आपकी पार्टी में ही तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है, तो जरा रोशनी डालिए कैसे काम बिगाड़ा है, कैसे तीन तिगाड़ा है। कहने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है, क्योंकि कहने पे जीएसटी नहीं लगती। जीएसटी में भी तीन है, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तीन मुख्यमंत्री देने वाली पार्टी प्रचंड बहुमत पाती है, और कैबिनेट में जिनको मंत्री बनाती है, जो कांग्रेस से ले जाते हैं, उन्हें कभी नहीं हटाती है। मगर अपने नेता कार्यकर्ताओं का कितना ये सम्मान करते हैं, वो हमने देखा। तो क्यों? क्योंकि एक भ्रष्टाचारी, दूसरा भ्रष्टाचारी, और आज जो घोषणावीर, आश्वासनवीर बैठे हैं, वो तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी। आज भी सड़कों पर हड़तालें चल रही हैं। क्यों चल रही हैं हड़तालें? क्योंकि घोषणावीर का विकास स्वयं का हो रहा है। जो माफिया चल रही है आज, वो हम सबके सामने है। सुपर सीएम यतीश्वरानंद बैठे हुए हैं उस गद्दी पर, और उन्हीं के सहारे चल रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। परंतु अपने खटीमा से अगर वो आज चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है, धन सिंह रावत अपने क्षेत्र से भाग रहे हैं, तीरथ सिंह रावत का अता पता वैसे ही नहीं होने वाला जब संसद के चुनाव आएंगे, और त्रिवेंद्र सिंह रावत डोए वाला में बोलने के लायक नहीं रह गए, तो ये बताता है कि इनके तीनों मुख्यमंत्री केवल तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा नहीं थे। इन्होंने हमारे प्रदेश का जो आज हाल किया है, वो नौजवान, महिला, बुजुर्ग, बच्चे, वो सब आपको बताएंगे। तो कहने पर जीएसटी तीन लेटर, यानी कि तीन तिगाड़ा नहीं लगते। सुजाता जी देखिए, एक होता है कि स्वयं की सफलताओं का बखान करना, एक होता है आने वाले भविष्य का एजेंडा बताना, और एक होता है कि जो सत्ता पक्ष है या जो विपक्षी पार्टी है उसकी आलोचनाएं करके अपना स्थान सुरक्षित करना। तो ये जो तीन बात हैं, आज तीन ही बातों पर चर्चा करेंगे, हर बार तीन ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये तीन सवाल हैं कि एक तो स्वयं की सफलताओं का बखान करना, और दूसरा खुद का एजेंडा बनाना, या तीसरा विपक्ष की आलोचना करना, विपक्ष यानी कि जो आपके विपक्षी पार्टी है। तो आप अभी आलोचना आपने की है, लेकिन खुद की सफलताएं भी आपको बतानी होंगी, और एजेंडा भी बताना होगा कि आपको वोट क्यों दे जनता, क्या आधार होना चाहिए, क्या यही एक आधार काफ़ी है कि आप विपक्ष को जो उनके नहीं किए हुए काम है उनकी आलोचना करके वोट मांगें। होता है वो ये बताता है कि उसने क्या कार्य किया इन पांच सालों में, ये बताने के लिए कि लायक ही नहीं है। किसान आंदोलन से भी लंबा चला था पंडा पुरोहितों का आंदोलन, और सरकार को पीछे हटना पड़ा था, और सरकार पीछे इसलिए हटी क्योंकि न केवल तीर्थ पुरोहित चार धामों में इनका विरोध कर रहे थे, उनका साथ हमने दिया, और इसलिए दिया क्योंकि वो जो कह रहे थे वो सही था, और सरकार इनको क्या कह रही थी, ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये भाजपाई हैं, जबकि ये इनका कार्डर, उन्होंने इनके पार्टी के प्राइमरी मेंबरशिप से इस्तीफा भी दिया। और मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सत्ता में नहीं है, लेकिन इन आवाजों को जब उठाते हैं तो सरकारों को झुकाते हैं। अभी जो नवंबर के आखिरी में कैबिनेट, अच्छा, सैनिक कल्याण बोर्ड के सैनिक, पूर्व सैनिक, उनकी मांगों पर सरकार अभी तक कुछ नहीं कर रही थी, मगर हमारा दबाव था कि इन्होंने कहा कि ये सातवां वेतनमान देंगे। मैं स्वयं मेजर योगेंद्र यादव बैठकर देर तक इस विषय पर चर्चा करती रही, जिस दिन छह घंटे में आपको अच्छी खबर मिलेगी, मगर अच्छी खबर तो उस दिन नहीं मिली, लेकिन आखिर में कैबिनेट में इसको पास कर दिया गया। हमारे 102 के ऊर्जा विभाग के सिलेक्टेड जो बच्चे हैं वो सड़कों पे हैं, उनकी बात को हमने उठाया, सरकार ने कहा कि वो इसको करेगी और इन पोस्ट को अनफ्रीज करेगी। सरकार ने बैंक भर्ती जो है वो हमारे दबाव में आकर खोला,
वरना तो सुनने वाले नहीं थे। तमाम आप जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से उनको के तरीके से ये सारी चीजें हमारे साथ जो है इनकी वार्ता भी हुई है। जो बच्चे इनके इनके विरोध में खड़े थे उनसे जाकर मिल भी रहे थे और हम उनकी आवाज को बुलंद भी कर रहे थे। तो इसका मतलब ही है कि हमारे दबाव में सरकार को बहुत कुछ करना पड़ा और इसीलिए जनता को आज हम पर भरोसा है कि हम विपक्ष में होकर भी सरकार पर पूरे जोर शोर से दबाव डालते हैं और सरकारों को झुकाते भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संजीव जी आप आवाज आ रही है आपको? संजीव जी, आलोचना के मार्ग पर गाजे बाजे के साथ कांग्रेस आपके ऊपर हमला करने निकल पड़ी है। देखिए, कांग्रेस के पास अपना बोलने के लिए तो कुछ है नहीं और कहने के लिए सिवाय आलोचना करना उनके पास एकमात्र मैं सोचता हूँ यही एक अस्त्र है। और जनता देख रही है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस तरह से विकास का चक्र है, हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए हैं 1,00,000 करोड़ की केंद्र सरकार से जो हमारी योजना है उत्तराखंड में फिल वक्त चल रही है, जिस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अमूल चूल ताना बाना बुनने में उत्तराखंड में हम लोग कामयाब हुए हैं। और चाहे आप रोड सेक्टर देखिएगा, चाहे स्वास्थ्य सेक्टर देखिए, शिक्षा देखिए, रोजगार देखिए, हर सेक्टर में, हर सेक्टर के लिए, किसान के लिए आज उत्तराखंड में भरपूर कार्य हो रहे हैं। 3,00,000 रुपए तक का ऋण सरकार ने 0% पे दिया है। आज युवाओं के लिए स्वरोजगार की विभिन्न स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें बड़ी मात्रा में 40-50% तक सरकार सब्सिडी दे रही है। और साथ ही जो लोन है, लोन को बहुत लो इंटरेस्ट रेट पे युवाओं को दिया जा रहा है ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हों और जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब गिवर की भूमिका में रहे। आप होम स्टे हमारी एक इतना जबरदस्त योजना उत्तराखंड में साबित हुई है जिसने पलायन को भी रोका, साथ ही अपने आसपास के जितने लोग हैं वो लोग अपने आप को भी रोजगार दे रहे हैं स्वरोजगार की दिशा में अपने घर पर रहकर, और साथ में अपने स्थानीय भाई बंधुओं को भी 5-6-7-10 लोगों को साथ में रोजगार देने का उन लोगों ने काम किया। सबसे बड़ी जो हमारी एक तरह से मील का पत्थर हमारे लिए साबित होगी हमारी जो अटल आयुष्मान योजना है, जिसमें पूरे उत्तराखंड के प्रत्येक परिवार विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, चाहे उसमें निर्धन वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, किसी का कोई भेद किए बगैर सभी को 5,00,000 रुपए तक की स्वास्थ्य सुरक्षा का जो सरकार ने दिया है वो एक मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा एक संबल का काम करती है। क्योंकि आप ये देखिए, मैं कहता हूँ ईश्वर किसी को भी ऐसी स्थिति में ना लाए कि स्वास्थ्य का कोई ये लेना पड़े, लेकिन जिस समय आदमी बीमार पड़ता है तो मैं सोचता हूँ सबसे ज्यादा आदमी उसी समय टूटता है। और सरकार ने आम व्यक्ति का ध्यान रखते हुए, आम व्यक्ति की जेब का ध्यान रखते हुए, आम व्यक्ति की आर्थिकी का ध्यान रखते हुए जो अटल आयुष्मान योजना हमको दी है, उत्तराखंड की जनता को दी है, मैं सोचता हूँ ये सबसे बड़ा एक हमारा मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही जैसे अभी आपने तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा की बात कर रहे थे, हमारे कांग्रेसी भाई, हमारी कांग्रेसी बहन सुजाता पॉल जी, तो अपनी बहन से मैं ये बोलना चाहूंगा, देखिए दूसरे के ऊपर पत्थर मारना तो बहुत आसान होता है ना, इसमें कुछ जाता नहीं है, उसे सामने वाला आहत होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि सबकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। विपक्ष में है तो विपक्ष का काम केवल
आरोप लगाना नहीं, कभी साथ साथ में चल के देखिए। जब आप साथ चल के साथ चलने का प्रयास करेंगे, उत्तराखंड की जनता को भी ये लगेगा कि आप भी जनहित के लिए काम करते हैं, जनहित के लिए आप भी सोचते हैं, उत्तराखंड के विकास के लिए आप भी सोचते हैं। जैसा अभी हमारी बहन ने कहा, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सबसे बड़ा तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तो कांग्रेस के अंदर भी तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा है। हरीश रावत जी, प्रीतम सिंह जी, किशोर उपाध्याय जी और गोदियाल जी, यशपाल आर्य जी, आपके तो तीन के आपके तो चार चार और पांच पांच काम बिगाड़ा है। यशपाल आर्य जी को जिस तरह से आप लोगों ने दलित मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर कि दलित मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, हरीश रावत जी ने एक शिगोफा फेंका और उसमें ट्रैप हो गया। आज यशपाल आर्य जी कांग्रेस में गए, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है, आज उनके मान सम्मान की क्या स्थिति है कांग्रेस के अंदर? मैं सोचता हूँ कांग्रेस ही और यशपाल आर्य जी खुद भी आज सोचते होंगे कि मेरा ये गलत समय का, सबसे जीवन का गलत निर्णय था। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा संजीव जी आपके पास। संगीता जी देखिए, ये जो थीम सॉन्ग लॉन्च हुआ है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, अब आप तो समझ ही रहे होंगे कि तीन तिगाड़ा में आप भी आते हैं कि आप अगर नहीं होंगे तो कांग्रेस और बीजेपी को ही वोट मिल जाए। तो तीन तिगाड़ा और काम बिगाड़ा आपके लिए भी है, आप भी काम बिगाड़ने वालों में से आ गए हैं। जी बिल्कुल, भाजपा और कांग्रेस का काम तो कहीं ना कहीं बिगड़ ही रहा है आम आदमी पार्टी के आने से। तो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा सॉन्ग तो सही लॉन्च हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी ने तो तीन मुख्यमंत्री देके बंटाधार उत्तराखंड का किया ही किया है, और कांग्रेस में भी अंतर्कलह के चक्कर में उत्तराखंड को नुकसान कहीं ना कहीं यहाँ की जनता का हो रहा है। और इन्होंने भी 2012 में जब बहुगुणा जी आए, उसके बाद 2014 में ये हरीश रावत जी को लेकर के आए। तो स्थायित्व के मामले की हम बात करें तो किसी ने भी 5 साल तक नहीं दिया। एक नारायण दत्त तिवारी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे रहे जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बाकी हम 21 वर्षों में 11 मुख्यमंत्री पा चुका है ये उत्तराखंड। पूर्ण बहुमत की सरकार देने के बाद भी एक स्थायित्व नहीं है मुख्यमंत्री के मामले में कि हमें एक मुख्यमंत्री स्थायी रूप से 5 साल की सरकार चलाने वाला मिला हो। और अभी हमारे बड़े भाई संजीव जी बात कर रहे थे सड़कों की, तो अगर इन्होंने आज पेपर में पढ़ा हो तो अल्मोड़ा के एक पकलचौड़ गांव है, वहां की एक महिला ने कल रास्ते में सड़क की अभाव के कारण रास्ते में जंगल में प्रसव को जन्म दिया है, और बारिश पड़ रही थी और इस कड़ाके की ठंड में मोबाइल की रोशनी और टार्च जला करके। तो 21 साल बाद भी हम उत्तराखंड में इस स्थिति में खड़े हैं, और हम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि यहाँ पर सड़कें हैं। जैकोट गांव की बात मैंने पिछले डिबेट में भी कही थी कि वहां लोग सड़क के कारण 1500-2000 का सिलेंडर खरीद रहे हैं, सड़क नहीं है। मैं बात करूं कोट अमोड़ी गांव की चंपावत जिले की, तो वहां पर सड़क ना होने के कारण, केवल एक 7 किलोमीटर की सड़क ना होने के कारण स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए डोली में लाना पड़ता है, तब मेन हाईवे पे पहुंचते हैं और फिर वहां से जिला अस्पताल या टनकपुर चिकित्सालय लाना पड़ता है। तो आप सोचिए कि वहां पहले 400 की आबादी थी, आज वहां 300 लगभग आबादी पलायन कर चुकी है और केवल 100 लोग परिवार के रह गए हैं। वहां पहले 400 परिवार हुआ करते थे। तो किसकी वजह से? केवल मूलभूत सुविधाएं ना मिलने की वजह से गांव के गांव खाली हो रहे हैं। और हम अल्मोड़ा को देखें तो पौड़ी के बाद दूसरा नंबर अल्मोड़ा का आता है पलायन के मामले में। 96 गांव वहां ऐसे हैं जहां कोई भी नहीं है, और फिर भाजपा सरकार ये बात करती है 7 मुख्यमंत्री होने के बाद इनके कि हमने उत्तराखंड का पलायन किया है। ये आधी अधूरी योजनाओं का लोकार्पण कर देते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने तो हमारे किया ही था माननीय, हम धन सिंह रावत जी की बात करें स्वास्थ्य मंत्री, तो उन्होंने भी एक मशीन का, अल्ट्रासाउंड मशीन का उद्घाटन कर दिया जिसका अभी रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। तो ऐसे ऐसे तो इनके विधायकों के काम है। और फिर ये कहते हैं विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने उत्तराखंड का बहुत विकास किया है। 2022 में आपको उत्तराखंड की जनता बताएगी कि किस तरह का विकास आपने यहाँ पे किया है। अगर आपने विकास किया होता तो आपके मुख्यमंत्री जी धामी जी 2 बार विधायक रहे हैं खटीमा से, उन्हें अपने मुंह से ये ना कहना पड़ता कि कहीं और से चुनाव लड़ेंगे।
जो वो अपने मन में प्रश्न पाले हुए हैं और एक आशंका चल रही है कि कहीं मैंने खटीमा से चुनाव लड़ा और खटीमा की जनता ने मुझे नकार दिया तो क्या होगा मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, तो आपको लगता क्योंकि है वो डर जो पहले हरीश रावत जी को जिस तरह से जनता ने नकारा था दो दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने के बाद, तो वो डर अब कहीं ना कहीं धामी जी के मन में भी चल रहा है, इसलिए वो या तो दो सीटों से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं या खटीमा विधानसभा से अलग चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं दूसरी विधानसभा से। जी, तो ये आप लोगों के विकास का विकास किया होता तो ये डर आप लोगों के मन में ना होता। बिल्कुल सुजाता जी, देखिए संगीता जी कह रही हैं कि जो तीन तिगाड़ा है काम बिगाड़ा है, वो काम बिगाड़ने वाले नहीं है तो काम बनाने वाले हैं और सुधारने वाले हैं और उत्तराखंड के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब बताइए आप फिर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा कैसे है? देखिए लोकतंत्र में हर एक को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो आम आदमी पार्टी अगर चुनाव लड़ेंगे तो हम जो बात कह रहे हैं वो हम सरकार से कह रहे हैं क्योंकि सरकार में भाजपा है। अब देखिए अभी वर्मा जी कह रहे थे कि कांग्रेस के पास और कुछ करने को नहीं है, मतलब जो सरकार में बैठा उसके पास तो करने को बहुत कुछ था मगर वो कुछ कर ही नहीं पाया। अब केंद्र सरकार की योजनाएं ये जो लाए हैं इनसे मैं जानना चाहती हूँ कि 13,000 करोड़ वाली जो योजना है क्या आपको पता है संजीव जी कि उसमें क्या हुआ है? जो आपका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण है आपको पता है कि इस वक्त वो खटाई में पड़ चुका है, माननीय उच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी है। अब ये बताइए कि उसमें रोक लगाई है इसका मतलब है कुछ तो उसमें पाया गया होगा ना। आप लोगों के अधिवक्ता ने ये कहा कि जल्दी से इसको मतलब ये रोक नहीं लगनी चाहिए, इसे कंटिन्यू करने दिया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव आने वाले उसके पहले हो जाना चाहिए। भाई फिर भी माननीय उच्च न्यायालय ने आपकी बात नहीं मानी, ये बताता है कि बिना सोचे समझे आप काम करते हैं। ऋण की बात करते हैं, ऋण तो आपने जिस प्रकार से लिया है और आज फिर भी धामी जी बिल्कुल बेशर्मी से अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सरकारी पैसा जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इनके पास वित्त नहीं है 24 बच्चों को नौकरी देने का जिन बच्चों को इन्होंने सिलेक्ट कर लिया परिवहन निगम में, और उसके अलावा 102 बच्चे ऊर्जा विभाग के, ऊर्जा विभाग जो इस वक्त प्रॉफिट मेकिंग कॉर्पोरेशन है, ये स्वरोजगार की बात करते हैं, एमएसएमई के जो लोग हैं एमएसएमई में इन्वॉल्व्ड है वो बैंक में जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो जब तक घूस ना दें तब तक उनको लोन नहीं मिलता और वो लोग भी आज खटीमा में मुख्यमंत्री के घर के बाहर बैठकर धरना दे रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री वहां से भाग रहे हैं। इसके अलावा आप पलायन की बातें जब कहते हैं ना तो बड़ी हंसी आती है क्योंकि बेरोजगारी जो चरम पे आप लेके आए हैं और धरना प्रदेश बना हुआ है और फिर भी आप कह रहे हैं कि आपने इतनी नौकरियां दी तो ये कागज में आपने जरूर दी होगी मगर असलियत में अगर नौकरियां मिल गई होती तो आज पीआरडी के जवान बड़ी लंबी चौड़ी उनकी भीड़ थी आपके उसके बाद पीआरडी के जवानों को लेकर पुलिस वाले मुख्यमंत्री आवास पूछ करते हुए देखे गए थे। अटल आयुष्मान योजना के बारे में ना बताएं आप क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड में उसमें कितनी खामियां निकली और क्या क्या हमने देखा। आप निर्धनों की बात कर रहे हैं तो कोरोना के समय में आपने तो डॉक्टरों को भी निर्धन कर दिया, जिन डेंटिस्ट को आपने दूर दराज के क्षेत्रों में भेजा अपना 100% फर्स्ट वैक्सीन डोज कंप्लीट करने के लिए उनको आपने नियम कायदे के विरुद्ध निकाल दिया, वो आज सड़कों पे आपके विरुद्ध खड़े हैं। एचपी इंडिया सेल्स प्राइवेट लिमिटेड पंत नगर से भाग गया सब्सिडी खा के, 185 लोगों को बाहर निकाल दिया गया। अब आप कह रहे हैं कि अच्छा मुझे एक चीज और भी बताइएगा कि आप टिकट क्यों काटने की बात कर रहे हैं, सिटिंग एमएलए की टिकट क्यों कट रहे हैं? इसलिए कट रहे हैं कि आपको तीन मुख्यमंत्री बदलने पड़े क्योंकि आपको काम करना नहीं आता, आपको तीन अध्यक्ष भी बदलने पड़े सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा, और आप जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपके सिटिंग एमएलए को टिकट नहीं मिलेंगे, धामी जी कह रहे हैं, धन सिंह रावत जो बारिश को आगे पीछे ऊपर नीचे कम ज्यादा करने का ऐप बनाते हैं वो भी अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे, और तमाम सुबोधुनिया जी कांग्रेस से गए हैं लेकिन वो भी अपने क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ रहे और हमारे लोगों को हरामखोर कहते हैं, इस तरह की आपकी सरकार है। आप कह रहे हैं कि साथ चलना चाहिए, साथ चलने के लिए तो हम हमेशा से तैयार थे, आप सुन ले तो साथ ही तो चल रहे होंगे ना, विपक्ष का काम होता है आपको बताना और आपका काम होता है उनकी भी बात को सुनना, जो आप नहीं सुनना चाहते क्योंकि इस अहंकार में आपने देख लिया ना मोदी जी के साथ क्या हो रहा है, कुर्सियां उनकी खाली जा रही है हर रैली में, उत्तराखंड की ही बात कर रही हूं मैं,
और पूरी की पूरी जब सीटें खाली हुई दिखी तब आप जानते हैं वो तो वैसे ही छोड़ के भाग गए। इसीलिए कल मोदी भाग गया ट्रेंड कर रहा था वर्मा जी आपके ट्विटर पे। अब यशपाल आर्य जी पे आपने बड़ी टिप्पणी करी, जब उनको लेकर गए थे अपनी पार्टी में तब आपको नहीं याद आया कि वो कहां से आ रहे हैं, अब बता रहे हैं कि वो भ्रमित हो गए। तो जिनको लेके गए उन्हें भ्रमित करके लेके गए, आपने स्वयं अपनी बात का जवाब दे दिया। आपके यहाँ कितना सम्मान होता है हमने देखा, हरक सिंह रावत को पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गदा ढेचा ढेचा करता है बता दिया। आप स्वास्थ्य के बारे में अगर देख लीजिए, अभी मेरी बहन ने बताया कि किस तरह से प्रसव हुआ, ये तो हमने पूरे आपके कार्यकाल में देखा कि सड़कों में टॉयलेट्स में वो भी सरकारी अस्पताल के टॉयलेट्स में प्रसव होते हुए हमने देखा। तो आप जिस तरीके की बात कर रहे हैं ना उसमें बड़ा विरोधाभास है, इससे कम से कम ये बातें हमें ना बताएं। ये बताइए कि लोगों की बात सुनने का क्या लेंगे आप, आज आपकी सरकार जाने वाली है, आप रखने चाहिए कितना पैसा खर्च करने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जनता जो है वो आपके लिए खड़ी है, जब जनता आपके लिए खड़ी होती जाती है तो किसी पार्टी नहीं होगी जो उनको समझाए। जनता जान चुकी है कौन उनका कार्य करेगा, कौन सक्षम है कार्य करने के लिए। अगर आपने आठ मुख्यमंत्री दिए हैं, आपने तीन दिए हैं, आप लोगों ने आवाज उठाई थी विजय बगुना जी के एक बार सुन लीजिए आराम से सुजाता जी। का बिल आपकी सरकार ने क्यों डस्टबिन में डाला, आपके जवाब दी आपकी सरकार थी आप बिल की बात करिए। देखिए त्रिशूल जी आज की डेट में अभी के समय की है, ये अपने ऑब्जेक्टिव बताए ना कि इन्होंने क्या किया। अब देखिए अभी तो बड़ी बड़ी बातें बता रहे थे कि हमने ये क्या विकास किया, अपना विकास किया इन्होंने, इसलिए अब ये नहीं बता पा रहे कि इनकी सरकार ने क्या क्या विकास किया। संजीव जी देखिए सुजाता जी जो आरोप लगा रही है एक बार तो उनका स्पष्टीकरण दे दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। ऋषभ जी देखिए सुजाता जी क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, बेसलेस बातें करती हैं, ठीक है। उनको ना बात करने का लहजा है ना बात करने की तमीज है, पता भी है, तमीज से बात करिए। लहजा तो मैं बताती हूँ आपको, प्रधानमंत्री के लिए किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल मुझे सिर्फ ये बताओ कि सड़कों के लोग क्यों खड़े हैं,
आपकी पार्टी से इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस ज्वाइन करते हैं क्योंकि आपने इनको प्रस्तावित किया। दूसरे मुख्यमंत्री को संजीव जी, सुजाता जी सरकार है आप, इसीलिए हमारे सुजाता जी बहुत क्रांतिकारी हो गया है। सुजाता जी बहुत क्रांतिकारी हो गया है ये। संगीता जी देखिए ये लड़ाई इनकी चल रही है और आप अलग हैं और ये तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा आप ही हैं, समझ लीजिए अब कैसे निपटेंगे। इन्होंने तो कह दिया है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा और ये लड़के भी बता रहे हैं कि हम अलग अलग हैं, फिर कैसे समझेंगे, जनता कैसे समझेगी इस बात को। देखिए कभी जाति की बात करना, कभी धर्म की बात करना और मुद्दों की बात से ध्यान भटकाना, कभी पंजाब पर चले जाना, हम उत्तराखंड पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उत्तराखंड के बेरोजगारों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उत्तराखंड के सड़कों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम 11 मुख्यमंत्री देने के बाद भी आज भी इस त्रासदी में है। ऑक्सीजन प्लांट है, उत्तराखंड को दो दो एम्स दिए हैं, चार मेडिकल कॉलेज दिए हैं। ये स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का की वहाँ निदेशक नहीं है, आज ही लेटर लिखा हुआ है अनूप नौटियाल जी ने, तो आप जरा पढ़ लिया कीजिए। अस्पताल बनाने से और अस्पताल में व्यवस्थाएं जुटाने से दोनों में बहुत फर्क होता है। आपने जिला अस्पताल सब जगह है लेकिन जिला अस्पतालों में व्यवस्थाएं क्या है आप ये भी बता दीजिए। मेरे बोलने से कुछ नहीं, मैं झूठ कौन बोल रहा है ये आपको जनता बताएगी, ये आपको जनता बताएगी कि झूठ कौन बोल रहा है। आप चिल्ला करके, आप अभद्र भाषा का प्रयोग करके, आपके विधायक मंत्री जनता को अभद्र टिप्पणियां करके 2022 का चुनाव नहीं जीत सकते। जनता महंगाई की मार झेल रही है, जनता बिल्कुल। मैं अब आऊंगा संगीता जी मैं आऊंगा आपके पास। संजीव जी देखिए, संगीता जी और सुजाता जी दोनों ये कह रही हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार नहीं हुआ है, उत्तराखंड में कुछ नहीं हुआ है और ये तमाम तरह के आपके ऊपर आरोप लगा रही हैं। अब आप बताइए स्वास्थ्य सेवाओं में क्या बड़ा सुधार हुआ है उत्तराखंड में। भारतीय जनता पार्टी के 2017 में उत्तराखंड में 1061 डॉक्टर्स थे, आज की तारीख में हमारे पास 2260 डॉक्टर्स हैं। नर्सेस के स्टाफ में बेतहाशा वृद्धि हुई है, आंगनवाड़ी बहनों और आशा बहनें जिनका मानदेय 2,000 रुपए 2,500 रुपए हुआ करता था, आज हमने उनका मानदेय 7,500 रुपए करने का काम किया है। उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन सभी प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व करने का काम किया है। और जितने भी चिकित्सालय हैं जिसने उनमें सभी में अपने ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, ऑक्सीजन बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं। भारतीय जनता पार्टी धरातल पे काम करती है, धरातल पे काम करके काम पे विश्वास करती है, विकास काम करती है और विकास हमने जो दीर्घ परियोजना यहाँ चला रखी है उसका न केवल आज ही नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में भी हमारी पीढ़ियों को भी लाभ मिलने वाला है। आने वाले भविष्य में हमारे जो बच्चे हैं, हमारा आने वाला जो समाज है उसको भी इसका, इन सारी चीजों का लाभ मिलने वाला है। जिस तरह से विगत में पहाड़ों में जितने चिकित्सालय हुआ करते थे उनमें जो फार्मासिस्ट थे वो ही डॉक्टर्स का काम चला रहे थे, आज हमने हर चिकित्सालय में, हर डिस्पेंसरी में, हर सीएससी या पीएससी सेंटर्स में डॉक्टर्स की व्यवस्था करी है। आज छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी बीमारी होती है उन लोगों को देहरादून की तरफ दौड़ के नहीं आना पड़ता, अपने स्थानीय स्तर पे ही उन इलाज मिल रहा है।
दवाइयों की हमने दवाइयों की प्रचुर मात्रा में पर्याप्त व्यवस्था आज अस्पताल के अंदर है। मैं आऊंगा संजीव जी आपके पास। देखिए सुजाता जी कह रहे हैं कि डॉक्टर जो 1060 थे वो दुगने कर दिए हैं, तो ये क्या बात आपको लगता है आधारहीन बात है? क्यों कह रही हूँ आधार ही बातें कर रहे हैं, कागजों पे ये कुछ भी दिखा सकते हैं और बोल कुछ भी सकते हैं, क्योंकि जब तक आता है तो नहीं देखेंगे। मैडम आंकड़ा दे रहा हूँ मैं, सरकारी बताऊँ नहीं, ये सुजाता जी ये आपको लगता है कि ये गलत है आंकड़ा? देखिए ना कि हमने इतने अस्पताल खोले, आप देखिए मैं काम करने के लिए ना, आपको पता है कि नर्सिस नर्स भर्ती का जो एग्जाम है उसको ये 3 महीने फोन करती है। आप इस बात को समझिए, अगर एक तरफ ये अस्पताल खोल रहे हैं उसमें काम करने के लिए डॉक्टर्स भी चाहिए नर्सेज भी चाहिए, तो नर्सेज वाली बात तो मैंने आपको बता दी कि नर्सेज नहीं है। दूसरी बात देखिए, जब ये डॉक्टर्स की बात कर रही है तो डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं तो डॉक्टर्स में मैं आपको डेंटिस्ट का बता भी चुकी हूँ कि डेंटिस्ट नहीं है, और जो महिलाएं गाँव में रहती है जो पीएचसी की ये बात कर रहे हैं वहां पर भी कोई स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। वहां पे फार्मासिस्ट के इन्होंने 536 पद जो है वो डेड कर दिए हैं। ये पहली बार हुआ है क्योंकि इन्होंने जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है उसको यूज करते हुए इन पदों को खत्म कर दिया है, और 2030 तक एक भी पद नहीं होगा फार्मासिस्ट के लिए वहां पे। तो यानी कि ये भी एक दिक्कत होगी। मैंने आपको डेंटिस्ट का भी बता दिया, आप डॉक्टर्स का भी बता दिया, आंगनवाड़ी बहने आप बताइए 5 साल तक अगर वे आंदोलनरत रही और अभी 15-20 दिन पहले या महीना भर समझ लीजिए पहले ये कहते हैं कि नहीं हम इनको इनके वेतन को बढ़ाएंगे, तो इससे कुछ फायदा होता है क्या? क्या जो आंगनवाड़ी बहने वो इस बात को नहीं बोल रही होंगी? और मुझे पता है क्योंकि मैं उनके संपर्क में हूँ, क्योंकि इन्होंने जो स्वयं सहायता समूह है उसमें भी बहुत सारी आंगनवाड़ी बहने हैं, उनके मुंह से निवाला छीनने की कोशिश करी, जो कुपोषित बच्चे उनके मुंह से निवाला छीनने की कोशिश करी, और कैसे ये तो देखिए ये तो मतलब फालतू की हंसी के साथ बैठ जाते बिना तथ्यों के साथ। 650 करोड़ का एक सेंटर इन्होंने 3 साल के लिए निकाला था, और उसमें जब 2 स्वयं सहायता समूह गई थी उसके बाद गांधी जी ने कहा नहीं हम ये ला ही नहीं रहे। तो आप समझ रहे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो रही है? एक एक आपकी बात कह रही हूँ कि कुपोषित बच्चे भी जो है ये उनके भी मुंह से निवाला छीन रहे थे, मतलब जो बच्चा छोटा है वहां से लेकर जो प्रसव हो रहा है उनका भी मैं आपको बता रही हूँ, जो बुजुर्ग है उनको इलाज कैसे मिलेगा अगर पीएचसी में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है? तो दरअसल अलग है और इनके सुजाता जी मैं ये कह रहा हूँ कि 7,500 रुपए की है तो ये तो बड़ी बात है आशा सहयोगियों की। देखिए आपने ये बात कही, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये तो अभी से है ना, मैं यही आपको कह रही हूँ अगर दिसंबर में किया गया है तो ये जब दिया जाएगा तब दिया जाएगा ना, अभी उसमें से कुछ अमाउंट इन्होंने उसमें देना शुरू किया है वो भी चुनाव की वजह से। तो ये क्या ये सही नहीं है कि 5 साल हो गए हैं और वो महिलाएं इस चीज को देख रही है कि हम आंदोलन करते रहे कोरोना के पहले वो गांधी पार्क का ये आपका परेड ग्राउंड जहाँ धरना स्थल होता है वहां पे बहुत लंबा आंदोलन उन्होंने किया, उसके बाद कोरोना के समय में उन्होंने कार्य किया और फिर आंदोलन शुरू कर दिया, तब जाके सरकार को लगा कि अब तो चुनाव आने वाले हैं तो कुछ करना पड़ेगा। इन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया जिसमें इन्होंने स्वयं के लिए आप सोचिए जरा चांदी का मुकुट पहनवाया अपने आप को मुख्यमंत्री जी ने और कहा कि ये आंगनवाड़ी बहने उनका सम्मान कर रही हैं क्योंकि ये इनका जो मानदेय है बढ़ाया गया। असली में ये पैसा ये डिपार्टमेंट का पैसा था, क्या ये सही है? आप मुझे बताइए सुजाता जी चांदी का मुकुट कितने का आता होगा? बड़ा मुकुट है आप सोचिए, मुझे क्या बताइए तो यही बताएं, पर क्या ये सही है? बड़ा मुकुट के पैसे, चलिए मैं पूछ लेता हूँ कितना बड़ा मुकुट था संजीव जी वो चांदी का जो पहना आपने? त्रिशूल जी देखिए सुजाता जी मम्मी तुम देख दूर रहेगा दीदी को यहाँ आते जा देगा ना अभी हम बुला रहे हैं विश्वास वो ये झुठला रही है और जो ये बोल रही है कि जो मैं बोलूँ वो सही
जैसे इनके नेता हरीश रावत जी बोलते थे ना खाता ना भाई, जो हरीश रावत बोले वो सही है ना, पर इनका बोलना ऑथेंटिक है, आंकड़े ऑथेंटिक नहीं है, ये नहीं चलेगा मैडम, बिल्कुल नहीं चलेगा, आप बिल्कुल झूठ बोल रही है। आशा बहन ने माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके हित में अच्छा काम किया होगा, इसीलिए उनका सम्मान हुआ, इसीलिए उनका सम्मान हुआ। इतना बड़ा मुकुट है सुजाता जी, ये पहनाना चाहिए था, ये सही है नहीं? आपके पेट में जो दर्द, इन्होंने गाड़ी में बैठकर आंगनबाड़ी बहनों को बुलाया, ये कहा कि अगर आप नहीं आओगे इस कार्यक्रम के लिए तो आपका मानदेय कट जाएगा, ये कहा गया था इन बहनों को। ये देखिए, ये बात तो ये बोलने को तैयार नहीं है उनका, तो मैं आपको बता रही हूँ ना, आंगनबाड़ी बहनों को जबरदस्ती, जब कोरोना फैलना शुरू हुआ अभी पिछले महीने, तो जबरदस्ती बुलाया गया इस कार्यक्रम के लिए, मैं नहीं आना चाहती थी, उनसे 300-250 रुपए लिए भी गए। सुजाता जी, चांदी का मान लीजिए कितने का, कितने किलो का मुकुट होगा ये? आधा किलो, एक किलो? भारी मुकुट है, मुकुट है, और कितना भारी नहीं होता, पब्लिक के पैसे हैं। और इस कार्यक्रम में कितना पैसा लगा इसको आयोजित करने में, बन्नू स्कूल में बसेस भरी थी, मगर किराया बहनों ने खुद दिया था, तो ये सारी चीजें गलत है त्रिशूल जी। बहनों की भावना, आशा बहनों की भावनाओं की कदर आनी चाहिए। ये कार्यक्रम हुआ था, बहनें सम्मानित सपोजिटली करेंगी मुख्यमंत्री को, ये कह रहे हैं बहनों का सम्मान का कार्यक्रम नहीं था, मुख्यमंत्री अपना सम्मान करवा रहे थे, क्या कह रहे हैं आप, पता भी आपको? आशा बहनों ने अपनी मांग, ये मुझे बहनों ने बताया, मैं बन्नू स्कूल में मौजूद थी, वर्मा जी मैं ग्राउंड पे काम करने वालों में से हूँ, हवा हवाई बात नहीं करती, घर के अंदर एसी कमरे में बैठ के नहीं बात करती, ठीक है ना? नहीं, अभी तो एसी कमरे की कोई जरूरत भी नहीं है, और वहाँ पे हीटर भी नहीं है, और मैं आपको बता रही हूँ कि वहाँ इस कड़ाके के ठंड, उस दिन बहुत ठंड थी और बारिश का मौसम भी हो रहा था, और मैंने वहाँ से लाइव भी किया है, अगर आप चाहे तो मैं आपको वीडियो भेज दूंगी। नहीं नहीं, वो ठीक है, आप कह रही हैं तो सच्ची बोल रही होंगी, आप क्यों झूठ बोलेंगी। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप आरोप लगा रहे हैं उनको, आरोपों को वो दूसरी तरफ खारिज भी कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसे में आम आदमी पार्टी से हम पास जाना चाहेंगे। संगीता जी, ये जो चांदी का मुकुट और सोने का मुकुट है, यही एक दूसरे को पहन रहे हैं, आप क्या पहनेंगे? ये सत्ता का मुकुट आपके पास कैसे आएगा? जनता के मुद्दों की बात करेंगे और जनता के लिए काम करेंगे, तो जो जनता को उचित लगेगा वो जनता करेगी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है जनता के लिए काम करना, अब चाहे वो कोई भी सरकार हो, आज तक कांग्रेस बीजेपी रही तो उनकी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी थी कि उत्तराखंड के लिए सोचें और उत्तराखंड के विकास की बात करें, और जब 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, उत्तराखंड की जनता एक तीसरी पार्टी को चुनेगी यहाँ पर, तो उसका भी यही काम होगा कि यहाँ जो उत्तराखंड बनना था और जो उत्तराखंड शहीदों के सपनों का उत्तराखंड था और जो यहाँ की मूलभूत सुविधाएं थी उन पर काम किया जाए और जनता तक उन सुविधाओं को मुहैया कराया जाए, क्योंकि इधर उधर की बात करके और ये सब करके हम जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें जनता के हित की बात करनी है, प्रतिनिधि जनता के लिए चुनकर आता है। बिल्कुल, तो अगर हम बिजली की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 1,000 रुपए खाते में डालने की बात कर रहे हैं, भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और 1-1 करोड़ रुपए परिवार शहीद परिवारों के लोगों को देने की बात कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी पहले आप ये बताएं 1-1 हजार रुपए कितनी बहन के खातों में डाल, देखिए उत्तराखंड सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जो दुनिया में पहले नंबर पे शहर है दिल्ली की, जो आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या हुआ है, अब ठीक है मैं आ रहा हूँ आपके पास, जिनमें वो जाकर के अपना इलाज करा सकती है, यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की आप बात कर लीजिए,
जो आए दिन हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं और हमें शर्म आती है कि ऐसा भी हो रहा है महिलाओं के साथ यहाँ। बिल्कुल मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ आपके पास। बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। संगीता जी मैं आ रहा हूँ। हम 75 साल देश को आजाद हुए हो गए और 21 साल उत्तराखंड को बने हो गए और आज भी अगर सड़क पर महिलाओं को एक बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है तो इससे शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती आपकी सरकार के लिए। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये दादू महिला से पूछिए। अगर वो संजीव जी देखिए, अगर सड़क पर प्रसव हो रहा है तो किसी भी सरकार के लिए ठीक नहीं है ये। संजीव जी आवाज आ रही है आपको? सुजाता जी देखिए, आम आदमी पार्टी कितनी गंभीरता से अपने पक्ष को रख रही है और फिर आप कह रहे हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। देखिए मैंने तो आपको शुरू में कहा लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। लेकिन जहाँ तक आम आदमी पार्टी की बात है तो दो तीन बातें हैं। पहली बात ये कि इनकी पार्टी की उमा सिसोदिया जी को मैंने शुरू से देखा है, इस पार्टी को खड़ा करने में बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाई है उत्तराखंड में। मगर ऐसा क्या है कि उनको प्रोजेक्ट नहीं कर सकती थी इनकी पार्टी चेहरे के तौर पर बाहर से किसी को इम्पोर्ट करके लेके आई, वो उनका निजी विषय है। लेकिन महिला होने के नाते मुझे बड़ा दुख हुआ इस बारे में, इस चीज को देखकर। दूसरी बात, क्या कर्नल कोठियाली हर जगह इनका चेहरा होगा? क्योंकि ये मतलब बता ही नहीं पा रहे कि कौन से जगह पे कौन सा चेहरा होगा, कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसको खड़ा करने वाले हैं। अच्छा, और तीसरी बात देखिए कि जब आम आदमी पार्टी बात करती है सैनिकों का, तो मैं आपको बता दूं सैनिक कल्याण निदेशालय हाथी बरसाला देहरादून में मेरे 204 बहनें और भाई जो है वो आंदोलनरत थे, वो पूरे राज्य से आए थे, 13 जिलों से वो जिला कार्यालयों में काम करते हैं। आपको मालूम है कर्नल कोठियाल जो है वो वहां पे तीन चार दिन तो वहां पे कोई भी नहीं पहुंचा। मैं क्योंकि मुझे पता था कि वो आ रहे हैं और मैं उनके मुद्दे को उठा रही थी जब वो जिलों में थे तब से, तो मैं वहां हर रोज पहुंच रही थी। बड़ी कोशिश करी मैंने कि मीडिया को भी वहां पे बुलाऊं, मगर गोदी मीडिया तो बिल्कुल आने को तैयार नहीं थी। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो अवश्य वहां पे पहुंचे, उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन आपको मालूम है कर्नल कोठियाल वहां पे 4 या 5 दिन के बाद आए और वहां पे आके कहकर गए कि आप सब मेरे भाई हैं, ये है वो है कहकर फिर वो चले गए और कहा मैं कल आऊंगा। जब मैं अगले दिन वहां पे पहुंची हूँ तब भी वो नहीं आए थे। मुझे ये कहा गया था कि मैम देख लेते हैं आते हैं या नहीं, वैसे आजकल तो सब राजनीति कर रहे हैं। तो जब आप सेना में होते हैं तब आपका हम सम्मान करते हैं, आपके सैनिक होने का उसके बाद भी सम्मान करते हैं, मगर जब आप राजनीति में आते हैं तो आप राजनीति का खेल, उसमें कुछ नया नहीं लाने की कोशिश करते। बदलाव ऐसे होता है जब नए लोग आते हैं तो नई ऊर्जा आती है, नई सोच आती है। मगर भ्रमित करने वाले कर्नल कोठियाल को हमारे पूर्व सैनिक जो सैनिक कल्याण बोर्ड में कर्मी है, जिनको 7वां वेतनमान इस सरकार ने कहा है कि वो देंगे, वो पास हुआ है कैबिनेट, वो हमारे दबाव से हुआ और मैंने आपको बता चुकी हूँ उसके बारे में, तो दोबारा नहीं जाऊंगी। लेकिन कर्नल कोठियाल ने पूछा प्रश्न, ये 204 वो लोग हैं जिनके माध्यम से सारे सैनिक परिवार, पूर्व सैनिक, उनके जो आश्रित है, उनके कार्य होते हैं। मगर ना हमारी सरकार को सुध लेने की सोची ने सोचा, ना आम आदमी पार्टी के कर्नल का जो एक बड़ी बड़ी बातें कहकर अगले दिन आने का वादा करके दोबारा गए ही नहीं। तो यही कहना चाहूंगी मैं, अगर ये इनकी राजनीति है, ये जो चाहे ये करे। देखिए संगीता जी, स्पष्ट आरोप लगाया है, अब राजनीतिक गंभीरता नहीं होगी तो फिर तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ही होगा ना। आप तो बहन जी की आवाज में मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा। अब देखिए, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात सुनी नहीं। नहीं, वो आवाज डबल आ रही है। सुजाता जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने सुना नहीं। जी कोई बात नहीं है, मगर मुझे पता है कि अपनी बहनों और अपने भाइयों के लिए जो काम हम कर रहे हैं वो हम करते रहेंगे। उनके अधिकार उन्हें मिलने चाहिए, ये सरकार दे या ना दे, अगर जनता हमें चुनेगी जो निश्चित तौर पर उनको ये अधिकार, मैं आपसे वादा कर रही हूँ, बिल्कुल इनको दिलवा के रहूं। सुजाता जी, लेकिन इस गाने में आपने इतने सारे आरोप लगा दिए हैं, बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं, लेकिन अपना पक्ष भी आपको रखना चाहिए था कि आप क्या क्या करने वाले हैं। ये भी एक साथ, जैसे गाने में आपने आरोप लगाया कि बेरोजगारी है,
या गाने में आपने आरोप लगाया कि जो भी आपने लगाए हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तमाम, तो उसके संग ये भी लिखना चाहिए था जिन्होंने गाना लिखा कि अगर ये नहीं हुआ है तो ये हमारी प्रतिबद्धता है, ये हम करेंगे, और ये नहीं हुआ है तो यहाँ पर ला के उत्तराखंड को हम खड़ा करेंगे। उसके संग एक मैसेज आपका होना चाहिए था, मेरा ये मानना है। अब वो हो सकता है अगला गाने का अगला वो आए सेकंड वर्जन शायद या देख सकते हैं प्रतिज्ञा पत्र पर उत्तराखंड, तो ये जो है ये हमारा प्रतिज्ञा पत्र है और ये इस मैनिफेस्टो को बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस उत्तराखंड की मैं उपाध्यक्ष हूँ और मुझे हमारी टीम उत्तराखंड ही नहीं राजस्थान महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के हमारे जो प्रोफेशनल्स कांग्रेस के साथी हैं उनके साथ मिलकर हमने गांव गांव तक पहुंच कर लोगों से वार्ता करके उनकी समस्याओं को भी जाना, उनकी इच्छाओं को आकांक्षाओं को भी जाना पहचाना है और उसी को लेकर हम अपना प्रतिज्ञा पत्र बना रहे हैं जो एक राज्य के लिए भी होगा और जिलों के से संबंधित भी होगा। तो हमारे पास एक रोड मैप है विकास के लिए, हम जानते हैं कि कृषि के क्षेत्र में शिक्षा स्वास्थ्य इन सब क्षेत्रों में जो कार्य करना है अब समय ये आ गया है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम उन सब चीजों को लाए और उसमें आगे बढ़े और किस तरीके से ये कार्य होगा इसका भी रोड मैप हमने तैयार किया है और ये लोगों से बातचीत करके बहुत सारे ऐसे विषय है जो जब हमारी सरकार आएगी तब हम उस पर चर्चा अवश्य करेंगे और आपको बताएंगे भी कि किस तरीके से हम लोगों को साथ लेकर इस कार्य को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जी, संगीता जी देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने अपने क्षेत्र में जो रोड मैप है जो रूट चार्ट है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपके रोड शो ही सामने आए हैं, रोड मैप सामने नहीं आ पा रहा है और चुनाव लड़ने आप जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की है कि हमारे 70 विधानसभाओं के अलग अलग मैनिफेस्टो बनेगा क्योंकि हर विधानसभा की अलग परिस्थिति है, तो जो हम घोषणा पत्र लेकर के आएंगे वो हर विधानसभा में क्या क्या जरूरतें हैं और उस हर विधानसभा में किस किस चीज की कमी है उसको लेकर के ही हमारा घोषणा पत्र बनेगा। जी बिल्कुल, हमारा हर विधानसभा का अलग मैनिफेस्टो एक बनेगा, एक जनरल मैनिफेस्टो बनेगा जो पूरे उत्तराखंड के लिए होगा और हर विधानसभा में जो जरूरतें हैं वो उस विधानसभा के लोगों के साथ बैठ करके चर्चा करके फिर हम उस विधानसभा का मैनिफेस्टो तैयार करेंगे क्योंकि हर विधानसभा की एक अलग परिस्थिति है। ये तो ठीक है, कुछ इतनी विधानसभाएं बहुत इंटीरियर और पहाड़ी इलाके हैं और कुछ हमारे मैदानी इलाके भी हैं, तो एक ही चीज को लेकर के हम हर विधानसभा में काम नहीं कर सकते हैं। जब अभी माननीय गोपाल राय जी आए थे तो इस विषय पर बात हुई संगठन को लेकर के कि हमारे मैनिफेस्टो में क्या होगा, तो वो घोषणा पत्र जैसे ही हमारे तैयार होंगे वो आपके सामने भी और जनता के सामने भी सभी के सामने होगा। तो अभी तो तैयार हो गए होंगे, इतना समस्याएं आपको दिख रही है उत्तराखंड में, तो कुछ तो आना चाहिए था सामने। और 70 मैनिफेस्टो आएंगे लेकिन एक मैनिफेस्टो उत्तराखंड का भी तो आना चाहिए। उत्तराखंड का देखिए, हमने बिजली की बात की है, हमने रोजगार की बात की, हमने भूतपूर्व सैनिकों के लिए रोजगार की बात की, शहीद परिवारों की बात की कि उनको, हमने महिलाओं की बात की, हम शिक्षा को लेकर के लगातार बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि एक पढ़ा लिखा बच्चा ही पढ़ा लिखा युवा बनकर के देश के लिए उन्नति के विकास में एक सहायक होता है, तो जब हम अच्छी शिक्षा देंगे तो अच्छी शिक्षा से बहुत कुछ मुमकिन है। कोई भी व्यक्ति आज यहाँ हम देख ले तो सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को डालना नहीं चाहता, चाहे हम फल और रेड़ी वाले को भी देखें तो वो कैसे अपना पेट काट करके प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मजबूर है। पर ये बात मैं, अगर सरकारी स्कूल इतने अच्छे होंगे तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा। लेकिन 70 मैनिफेस्टो की बात समझ में नहीं आई मुझे सुजाता जी। 70 मैनिफेस्टो का ये है, देखिए चंपावत विधानसभा में जो जरूरतें हैं वो चंपावत विधानसभा के लिए जरूरी हैं तो उनको जोड़ा जाएगा, वहाँ के जो विधानसभा प्रत्याशी होंगे हमारे वो उस चीज को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, जो पिथौरागढ़ की हमारी समस्याएं हैं उनको लेकर के वहाँ जाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। जब विधायक 70 बन सकते हैं, 70 मैनिफेस्टो समस्याएं हो सकती हैं तो 70 मैनिफेस्टो भी बन सकते हैं। ये तो इनकी सोचने का कि कैसे करेंगे बनेंगे, हमारे 70 घोषणा पत्र बनेंगे विधानसभा के लिए। ये अपना विजन जनता के सामने लाएंगे, लेकिन जो हमारा मैनिफेस्टो है वो स्टेट के
मतलब हर जिले की जब हम बात करते हैं तो उसमें विधानसभाएं सारी कवर हो जाती हैं, क्योंकि सामंजस्य भी बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से हमें चीजों को करना पड़ेगा। और मतलब आप ये समझ लीजिए कि ये जो हम हाथ की बात करते हैं तो हाथ की तरह ही हमारे पांच ऐसे बिंदु हैं जिन पर हम कार्य कर रहे हैं, जल्द आपको बताएंगे। किससे लड़ रही हैं आप, अकेले से लड़ रही हैं क्या? आपने उत्तराखंड को दिए हैं, आज कांग्रेस और बीजेपी की देन है कि उत्तराखंड में 11 मुख्यमंत्री दिए हैं। 21 साल में 11 मुख्यमंत्री नहीं होने चाहिए थे, 4 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे। 5 साल में एक सरकार बदलनी चाहिए थी। शर्म आपको आनी चाहिए, किस मुंह से आप बात करते हैं। नशा नशे का हब आपने उत्तराखंड को बना दिया। आपके मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं खटीमा विधानसभा में वाइन फैक्ट्री खोलने की। खनन का कारोबार आपने चला रखा है, आपके मुख्यमंत्री खनन प्रेमी बने हुए हैं। 4.5 साल तो खनन में लिप्त रहे और बात अब आप कह रहे हैं खटीमा से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि भाई खटीमा से आपको डर लग रहा है। कुछ किया हो तब तो आप जाएंगे, आपके सारे विधायक तो दूसरी जगह का रास्ता देख रहे हैं कि दूसरी विधानसभा में जाए और वहां से चुनाव लड़े। सुन लीजिए, इतने सारे आरोप लगाए आपने, जवाब सुन लीजिए। जी संजीव जी, त्रिशूल जी, देखिए पत्थर मारने तो बहुत एक आसान काम है, और आम आदमी पार्टी है, आप लोगों को काम करना नहीं आता है। रन वाली पार्टी है, हिट एंड रन वाली, ये जो भी इनके बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन प्रतिबद्धता सबको अपनी दर्शानी होगी। सुजाता जी, संजीव जी, संगीता जी, समय समाप्त हो रहा है, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कांग्रेस ने अपना थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अब ये देखना होगा कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा आखिर कौन है। बहरहाल देश विदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।